वेलकम टू द परफेक्ट क्लास, आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। आज की हमारी नई वीडियो है, नया क्वेश्चन है क्लास 10 का अध्याय 2 चैप्टर 2 का है, 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। व्युत्पाद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करना। तो हमें इसे सॉल्व भी करना है, इसे शून्य फाइन करने के बाद उसकी सत्यता की जाँच भी करना है। इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ पर यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो हमें दो ऐसे नंबर बनाना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 बन जाए और उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाए। तो ऐसे दो नंबर बनते हैं 5 और 2 के रूप में। तो 5 और अगर 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा। मतलब यही इसी नंबर के 7 भी आ रहा है हमारा और 10 भी आ रहा है। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यूज रखेंगे 5 और 2 और 10 की जगह पर हम रखेंगे 5 मल्टीप्लाई। तो वैल्यूज बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 की जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 0, क्योंकि हम शून्य बना रहे हैं तो लास्ट में 0 आएगा इसमें। तो यहाँ पर आ गया 7 की जगह 5x और 2x आ गया और 10 भी आ गया 5 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह x कॉमन है, x कॉमन आ गया, बचा x और यह 5। x प्लस 5 इसमें कॉमन है 2, तो प्लस 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब इनमें से भी कॉमन लेना, तो यहाँ पर भी x प्लस 5 x प्लस 5 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, इनको कॉमन ले लेंगे बाहर, x प्लस 5 ये आ गया बाहर, यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब इनको 0 के साथ ले लेंगे, शून्य को बनाना है तो इसके साथ भी 0 आ जाएगा, इसके साथ भी 0 आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो इस 5 को बराबर के आगे भेजेंगे, प्लस में है आगे जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5 और ये 2 भी x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है आगे जाके माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनकी सत्यता की जांच करना है तो इनकी वैल्यूज रखना पड़ेगी अल्फ़ा और बीटा के रूप में। तो अल्फ़ा बराबर माइनस 5 हो रहा है और बीटा बराबर माइनस 2 हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करने, तो इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले वैल्यू शो कर देंगे, a बराबर 1 आ रहा है, बी बराबर 7 और c बराबर 10 आ रहा है। तो इसी से हम इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले उसको प्लस कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फ़ा है यहाँ पर माइनस का 5, माइनस 5 प्लस बीटा है माइनस 2, माइनस 2 बराबर माइनस बी आ रहा है तो 7 है, बी की वैल्यू 7 आ रही है तो माइनस 7 अपॉन में 1, ए की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 2 होगा और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 इक्वल माइनस का 7, दोनों वैल्यूज बराबर आ गए तो ये करेक्ट है। अब उसके बाद हमें इसका गुणांक निकालना है, तो होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा बराबर सी अपॉन में ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा है हमारा माइनस का 5 और मल्टीप्लाई माइनस 2, बीटा है 2, सी आ गया हमारा, सी है 10 और ए है 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है 5 टू 10 इक्वल 10, ये वैल्यूज बराबर है, ये भी बराबर है। तो यहाँ पर एक प्रूफ होता है, सत्यता आ जाती है इसके कि वैल्यूज बराबर है, इसे आंसर करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ गया एक्स बराबर वैल्यूज थे हमारे माइनस 5 और माइनस का 2, ये दोनों आंसर इसमें हमने जांच भी कर ली और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।